शमशेर खान की खास खबर पर एक नजर। सत्ता पक्ष ने घोषणा कर दी है कि शिवसेना अब राजग का हिस्सा नहीं है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एनडीए की बैठक के समय बताया कि शिवसेना अब विपक्ष का हिस्सा बन चुका है, इसलिए संसद के दोनों ही सदनों में उसके सांसदों की बैठने की जगह बदली जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले अरविंद सावंत की सीट पहली पंक्ति से हटाकर अब तीसरी पंक्ति में रख दी गई है। इस तरह से सोमवार को जब दोनों सदन बैठेंगे तो शिवसेना की बदौलत सत्ता पक्ष और विपक्ष का बदला हुआ स्वरूप सदन के भीतर दिखेगा। शिवसेना के अलग होने का असर एनडीए के कामकाज पर दिखने लगा है। सत्र से तुरंत पहले भाजपा संसदीय दल कार्यकारिणी की बैठक के बाद जब एनडीए नेताओं की बैठक हुई तो उसमें यह मांग थी कि राजग के सदस्यों में बेहतर तालमेल के लिए एक समन्वय समिति बनाई जाए या फिर एनडीए का एक संयोजक नियुक्त किया जाए। उधर शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की स्मृति सभा में शिवसेना के अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेता भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कार्यक्रम में शामिल हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को वापस आते वक्त शिवसैनिकों की ओर से नारेबाजी का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ता उनके सामने नारे लगा रहे थे, सरकार किसकी, शिवसेना की। कार्यक्रम में देवेंद्र के अलावा पंकजा मुंडे और विनोद तावड़े भी शामिल हुए।